सिंह जी, क्या गाड़ी चलाई है आपने? अरे मैंने नहीं, पेड़ा राम ने चलाई है। थैंक यू। क्यों चलाई है ऐसी गाड़ी? नहीं चलानी चाहिए थी। कुछ हो जाता तो। जाने दीजिए, चलिए इधर उस चोर ने लैंड किया था, तो चलिए देखते हैं यहाँ उसकी कोई चीज तो नहीं गिरी है। जिसका भी चश्मा टूटा है वो चश्मे की दुकान में अपना चश्मा बनवाने जरूर जाएगा। हम लोग हर चश्मे की दुकान में नजर रखते हैं, किसी न किसी दुकान में वो जरूर आएगा। मैं हर चश्मे की दुकान में सिपाही तैनात कर दूंगा। हर दुकान नहीं, सिर्फ वेदास ऑप्टिकल्स पे नजर रखते हैं कि वेदास ऑप्टिकल्स ही ऐसी दुकान है जो एक दिन में चश्मा बना कर देती है। सर्कस वालों का कल आखिरी दिन है, उस चोर को हर हालत में आज ही चश्मा चाहिए होगा, वो वेदास ऑप्टिकल्स ही गया होगा। तुमको शायद पता नहीं है, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है, अरे अरे, अरे पूरा डायलॉग तो सुन लो। हाय, छत पे चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये छत पे साइकिल चलाने का नया फैशन शुरू हुआ है क्या? शक था चोर जोकर नहीं कोई और है। तुम जोकर की ड्रेस में चोरी करते थे ताकि किसी को तुम पे शक ना हो और कोई पकड़ा जाए तो जोकर। बच्चे मेरा रास्ता छोड़ दे वरना बहुत महंगा पड़ेगा। बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। Yeah.
पर हिलिए नहीं, चुपचाप खड़े रहिए। हिलिए नहीं? अच्छा सजेशन है, बदन की एक एक हड्डी हिल रही है और कहती है हिलिए नहीं। लड्डू सिंह जी यहाँ जल्दी। अरे नहीं, मैं पुलिस हूँ, पुलिस पुलिस पे अटैक करना जुर्म है। अरे अंकल हेलो, छुपने का कोई फायदा नहीं। अंकल बस भी करो, यहाँ से गिरे तो सब स्टंट खत्म हो जाएंगे। Oh!
ये बच्चा नहीं है, ये बच्चा हो ही नहीं सकता। ये बच्चे के गेटअप में है, इसकी ड्रेस उतारो, अंदर एक बड़ा आदमी निकलेगा। यू आर अंडर अरेस्ट। शिवा, तुमने इस सूर्या को पकड़वा कर बहुत बड़ा काम किया है, वरना इसकी वजह से हम सर्कस वाले बदनाम होते। थैंक यू शिवा। थ्री चीयर्स फॉर शिवा। हिप्पी हिप्पी हिप्पी।